एशिया कप 2023 के फाइनल में जैसे ही मोहम्मद सिराज ने आग उगलना शुरू किया, एक्स पर एक नाम ट्रेंड करने लगा, डेनियल अलेक्जेंडर। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के इस फैन को चौतरफा लताड़ा गया, वजह एक ट्वीट। डेनियल ने एशिया कप 2023 के एक दिन पहले ट्वीट किया था, एशिया कप 2023 के फाइनल में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, श्रीलंका को या टीम 36 को? इंडिया को टीम 36 क्यों कहा गया, अब ये जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 17 दिसंबर 2020 को एक टेस्ट की पहली पारी में 36 रन पर ऑल आउट किया था। तब से विदेशी फैंस टीम इंडिया को इस नंबर से चढ़ाते रहे हैं। हालांकि भारत ने उस टेस्ट सीरीज में शानदार वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को उसकी जमीन पर 2-1 से हराया। वापस डेनियल अलेक्जेंडर पर लौटते हैं, भारतीय फैंस ने चुन चुन कर ट्वीट किए। देखिए, एक फैन ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें इंडियन फैंस डेनियल अलेक्जेंडर पर चारों तरफ से बॉल्स बरसा रहे हैं। एक और फैन WWE तक पहुंच गए, जॉन सीना का एक वीडियो पोस्ट किया, इसमें वो बेल्ट उतारकर एक दूसरे रेसलर को खूब पीट रहे थे। इसका पैरेलल इंडियन फैंस और डेनियल अलेक्जेंडर से जोड़ा गया। एक और यूजर ने लिखा, सिराज ने डेनियल अलेक्जेंडर के ट्वीट को सीरियसली ले लिया। एक और ट्वीट देखिए, डेनियल अलेक्जेंडर को 36 ऑल आउट के सारे जोक्स फिर से लिखने होंगे। अगला ट्वीट बहुत मजेदार है, डेनियल अलेक्जेंडर सिराज की बॉलिंग देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, खुद देखिए। एक यूजर ने एक और वीडियो लगाया, श्रीलंकन लोग और डेनियल अलेक्जेंडर सिराज के जादुई स्पेल को देखकर रोने लगे होंगे। एक और ट्वीट में अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम का फेमस मीम याद किया गया, डेनियल अलेक्जेंडर छुपकर एशिया कप फाइनल देख रहे होंगे। हालांकि डेनियल ने अपनी कोशिश जारी रखी, बिगड़ती हुई श्रीलंकाई बैटिंग के दौरान उन्होंने वापस उसी 36 रन वाली पारी का जिक्र किया। शायद इसके आगे पीछे डेनियल को और कुछ पता ही नहीं है। सिराज पर भी निशाना साधा है उन्होंने। सिराज ने शानदार बॉलिंग की, 7 ओवर में 21 रन देकर सिराज ने 6 विकेट चटका दिए। सिराज पर निशाना साधते हुए डेनियल ने लिखा, श्रीलंका के चमिंडा वास का 8 ओवर 3 मेडल 19 रन 8 विकेट वनडे क्रिकेट इतिहास की बेस्ट बॉलिंग फिगर है। मैच में क्या हुआ ये भी बता देते हैं। श्रीलंका ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करते हुए मेजबान टीम ने 3 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन बना लिए थे। चौथा ओवर कराने आए सिराज भाई। सिराज ने पहली गेंद पर पतुम निसंका को जडेजा के हाथों कैच करा, पवेलियन भेज दिया। हालांकि ये विकेट सिराज से ज्यादा रविंद्र जडेजा डिजर्व करते थे। उन्होंने पॉइंट पर डाइव लगाते हुए बेहतरीन कैच लिया। चौथे ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर सिराज ने सदीरा समर विक्रमा और चरित असलंका को आउट किया और ओवर की आखिरी गेंद पर सिराज ने धनंजय डिसिल्वा को भी चलता किया। सिराज का तांडव यही नहीं रुका, छठे ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने दसुन शनका को बोल्ड कर अपना 5वां विकेट लिया। ये कारवा यही नहीं रुका, 12वें ओवर में सिराज ने कमाल की बोल से कुशल मेंडिस को भी वापसी का रास्ता दिखाया। अब तक श्रीलंका का स्कोर 33 रन था, बाकी का काम हार्दिक पांड्या ने कर दिया। हार्दिक ने 3 विकेट चटकाए, श्रीलंका की टीम 50 रन पर सिमट गई। जवाब में ईशान किशन और शुभमन गिल ने साथ में मिलकर 51 रन चेस करके टीम इंडिया को एशिया कप 2023 का फाइनल जिता दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है पुनीत ने, मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।